अपने ही बनाए गेम में बुरा फंसा करण जौहर। करण जौहर ने ही इंडस्ट्री में ये चलन शुरू किया कि करण अगर काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्टार के साथ करेगा। करण जौहर की फिल्मों में अक्सर स्टार्स होते हैं और एक स्टार नहीं बल्कि सारे लीड्स जो होते हैं वो बड़े बड़े स्टार्स ही होते हैं। करण जौहर ने जब कुछ कुछ होता है की तो शाहरुख काजोल को लिया। करण जौहर ने फिर बनाई मोहब्बतें तो उसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को लिया। करण जौहर ने इसके बाद और भी बड़ी फिल्म बनाई कभी खुशी कभी गम। इसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख, काजोल, रानी मुखर्जी, ऋतिक रोशन, करीना कपूर सभी को लिया। करण जौहर ने इसके बाद कभी अलविदा ना कहना बनाई। इसमें भी स्टारकास्ट की भीड़ थी। जाहिर सी बात है अगर आप इतने बड़े स्टार्स को लेंगे तो आपकी फिल्म का बजट तो बढ़ेगा ही, और जब बजट बढ़ जाता है किसी भी फिल्म का तो उस फिल्म को हिट करवाना और बॉक्स ऑफिस से पैसा खींचना बहुत मुश्किल होता है। बट करण जौहर ने सालों से यही पैटर्न बना रखा है, या तो वो स्टार्स के साथ काम करेगा या फिर स्टार किड्स के साथ काम करेंगे। अब करण जौहर ने कहा है कि इसकी वो भारी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि धंधा जो है वो मंदा है। कोई भी फिल्म बनती है तो उसका 50% हिस्सा जो है प्रॉफिट का वो तो स्टार्स ही ले जाते हैं। डायरेक्टर को तो सिर्फ 30% मिलता है और बाकी का 20% जो है वो टेक्नीशियंस और बाकी क्रू मेंबर्स को मिलता है। इस बात से अब करण जौहर बहुत दुखी हो रहे हैं। करण जौहर का कहना है कि ठीक है इंडस्ट्री में स्टार्स का एक लॉट है, लेकिन इन दिनों अब हर कोई स्टार ही बनता फिरता है। इन दिनों जो नए एक्टर्स हैं, यंग जनरेशन के एक्टर्स हैं, वो भी ऐसी ही फीस कोट करते हैं जैसे वो सलमान हो, शाहरुख हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सलमान और शाहरुख के बाद अब वैसे स्टार्स नहीं बन पाएंगे, बट आज की ये जनरेशन यही कर रही है। अपने आसपास इन्होंने फेक स्टारडम क्रिएट किया हुआ है और इसी फेक स्टारडम के दम पर ये इतना पैसा मांगते हैं, जिस कारण फिल्म इंडस्ट्री का पूरा धंधा जो है वो हिल चुका है। तो फाइनली करण जौहर का दर्द छलका है। जो पैटर्न खुद करण जौहर ने इंडस्ट्री में शुरू किया उस पैटर्न का शिकार अब वो हो रहे हैं। अब कह रहे हैं कि स्टार्स फीस बहुत लेते हैं, स्टार्स 50% हिस्सा ले जाते हैं किसी भी फिल्म के बजट का। पर आपको बता दें कि करण की ये पीड़ा जायज है, क्योंकि पिछले कुछ समय में फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजरी है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री की जब छवि अच्छी थी तब हॉलीवुड के भी फाइनेंसर्स इंडस्ट्री में आए, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हुई है पिछले कुछ समय से, अब इंडस्ट्री वालों के पास ढंग के फाइनेंसर्स नहीं है, फिल्में बनाना मुश्किल हो रहा है। और अगर कोई फाइनेंसर इन्वेस्ट करता भी है तो वो पिछला रिपोर्ट कार्ड देखता है, और पिछली रिपोर्ट्स तो सारी फिल्मों की फ्लॉप ही है। तो ऐसे में ना पैसे आ रहे हैं ना फिल्में बन रही है, सारा गुस्सा अब स्टार्स पर निकल रहा है।